लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2। ये गाड़ी मेरे पास आई है झारखंड रांची से। तरीका वही है जैसे हर गाड़ी में करते हैं, झोल झाल नहीं चाहिए, दिमाग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। महेश जी जो गाड़ी के चालक है, कहाँ से आया गाड़ी चला करके? जी मैं झारखंड से आया हूँ, रांची जिले से। ये इसका शौकर है, देखेंगे तो इसका यहाँ से प्रेशर लीक हो चुका है, यहाँ से तेल लीक हुआ और ये तेल निकल गया यहाँ से, तो इसका प्रेशर लीक हो गया। इस तरीके से सारी चीजें खोल दिया है, टर्बो का पाइप है जो फट चुका है, ये मोटर जो किसी ने मारुति कार का लगा दिया सिंगल वाला, इसको हटा करके ओरिजिन वाला लगेगा। इसका देखेंगे तो बिल्कुल एकदम, ये देखें मतलब ये इतना गंदा हो गया है कि बिल्कुल इंजन ऑयल जैसा हो गया। ये है ट्रांसमिशन ऑयल का। इस कंडीशन में गाड़ी कैसे चल रही होगी, क्या माइलेज देगी? हल्का सा कंप्यूटराइज फिनिशिंग हुआ है, लेंथ बिल्कुल बराबर हो गई, और इसी के साथ ये ब्रेक पैड डाल दूंगा। क्वालिटी आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने डब्बे काट करके दिखाया हुआ है, जैसे ऊपर से निकल रहा है वैसे अंदर बिल्कुल क्लीन होता है। ये है तेल की क्वालिटी, देसी घी से महंगा है। अब ये गाड़ी है पूरी साइलेंट, मतलब हाथ रखने के बाद वाइब्रेशन पता नहीं चल रहा है, तो मेरी तरफ से पूरी गाड़ी एकदम कंप्लीट हो गई है। जय हिंद दोस्तों, ये गाड़ी मेरे पास आई है झारखंड रांची से। तकरीबन 2 महीने से वेटिंग में गाड़ी चल रही थी, वीडियो देखा सर ने और मैं देखने के बाद डिसीजन लिया कि दिल्ली आकर के काम कराना है। बात मेरी हो गई थी पूरी, उसके लिए मैंने टाइम निकाला। वैसे तो नॉर्मली मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन लग जाता है पूरी गाड़ी का काम कंप्लीट करने में। अंदाज वही है काम करने का, तरीका वही है जैसे हर गाड़ी में करता हूँ, लेकिन बड़ी गाड़ी है इसलिए इसमें झोल झाल नहीं चाहिए, दिमाग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, शांत माइंड रख करके प्रॉपर तरीके से काम करना, क्योंकि हाई स्पीड की गाड़ी है, तकरीबन करोड़ों के आसपास की गाड़ी जा रही है, तो इसमें बड़े तसल्ली से काम करना होता है। और इतने दूर से लोग आते हैं तो मैंने फीडबैक लिया, इतने दूर से आखिर क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया मेरे को खुद आकर के कि सर का ऐसा नहीं है 500 के कबाड़ के चक्कर में आप 5,000 का नुकसान नहीं करते हो, जो भी कुछ उनको लगा होगा अपनी तरफ से जो मैं करता हूँ सभी देखते हैं। तो मेरी कोशिश है कि जिस तरीके से विश्वास करके वहाँ से आए इतने दूर से, बहुत बढ़िया तरीके से काम करके दूंगा, शानदार तरीके से करके दूंगा, तसल्ली करके दूंगा, ताकि 4 से 5 साल बड़े काम में कोई दिक्कत ना आए और रेगुलर अपना 10,000 किलोमीटर या 12,000 किलोमीटर साल वाली सर्विस कराते रहें और चलाते रहें। यही मेरा काम करने का तरीका है। मैंने इस गाड़ी को चला करके कम से कम 15 से 20 किलोमीटर देख लिया है और देखने के बाद पूरा लिस्ट बना लिया जो इसमें मैंने काम था। और जो मेरे साथ भाई साहब आए हैं गाड़ी चला करके, महेश जी एक बार इधर आइए। ये है महेश जी जो गाड़ी के चालक है, कहाँ से आए गाड़ी चला करके? जी मैं झारखंड से आया हूँ, रांची जिले से। रांची जिले से झारखंड से आए। पहली बात तो जो इन्होंने बताया, जो जो चीज़ मैंने सारी चीज़ नोट कर लिया, पहले इन्होंने खुद नोट करके दिया, फिर मैंने चलाया, मैंने भी नोट किया, और साथ में जिनकी गाड़ी है 2 लोग आए हुए हैं और उनके बेटे भी आए हुए हैं, मतलब जितनी चीज़ उन्होंने नोट कराया सब चीज़ नोट करके अब काम चालू कर लिया है। पूरा पेज लगभग भर गया है, सामान सारा हमने ऑर्डर कर दिया, खोलने के बाद चेक करने के बाद अब गाड़ी का काम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। किस तरीके से कैसे काम करना है, शानदार तरीके से काम को अंजाम देना, वो हम आपको दिखाते हैं। तो फाइनली मैंने गाड़ी चलाने के बाद फुल ट्राई टेस्टिंग करने के बाद गाड़ी मैंने पूरी तरीके से खोल दिया है। क्या क्या सामान खोला है पहले मैं वो दिखाता हूँ, क्योंकि लगभग 1 लाख के आसपास गाड़ी चली है, तो जो चीज़ें लग रहा था प्रॉब्लम दिख रही थी चलने और चलाने में, वो सारी चीज़ें खोल दिया हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने ये खोला शौकर, ये इसका शौकर है, देखेंगे तो इसका यहाँ से प्रेशर लीक हो चुका है, यहाँ से तेल लीक हुआ और ये तेल निकल गया यहाँ से, तो इसका प्रेशर लीक हो गया। अब क्या है, ये हाई स्पीड की गाड़ी है, लॉन्ग स्पीड की गाड़ी है, वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें शौकर ना हमेशा नया डालना पड़ता है और सेट डालना पड़ता है। बसरते है क्या, ये लैंड रोवर गाड़ी है, इसका पार्ट्स ना जल्दी से ओरिजिनल मिलता नहीं, सही मायने में मिलेगा तो इम्पोर्टेंट मिलेगा और उसकी कोई गारंटी नहीं होती, टाइम लग जाता है। टाइम को देखते हुए तो मैं इस शौकर को रिपेयरिंग करा रहा हूँ। अब ये शौकर रिपेयरिंग के लिए जा रहा है, रिपेयरिंग के लिए इससे जब होकर के आएगा तब मैं दिखाऊंगा किस तरीके से बिल्कुल नया जैसा होता। कंप्यूटराइज हाइड्रोलिक इसका चेक होता है गाड़ी के हिसाब से, सारी किट वगैरह नई डलती है और जो छोटे छोटे बैरिंग वगैरह होते ग्रीसिंग वगैरह करके शौकर कंप्लीट ओके करके तब उसके बाद गाड़ी में फिट किया जाता है, मतलब पूरा चेक होने के बाद ही डलेगा। इसी तरीके से सेम मैंने ये सारे पार्ट्स खोले हुए हैं, जैसे गाड़ी में थोड़ा स्मोक आ रहा था तो ये इंटरकूलर इसका खोला हुआ है, ये पूरी तरीके से क्लीन कराऊंगा, क्लीन होने के बाद कैसा होगा वो आपको कंप्लीट दिख जाएगा। इस तरीके से सारी चीज़ें खोल दिया है। ये वाइपर का बॉटल है, इसमें क्या है कि एक मोटर लगा होता है जिसकी एक निप्पल टूट गई थी जिससे पीछे जाता है पानी, तो किसी ने जुगाड़ करके सिंगल मोटर लगा दिया, काम तो चल गया लेकिन लैंड रोवर गाड़ी जो मज़ा होना चाहिए पीछे वो चीज़ नहीं हो पा रहा था, इसमें मुझे मोटर को दूसरा लगाना है। हालांकि ये कॉस्टली है, इसका मोटर मैं पिन बना के लगा रहा हूँ रिपेयरिंग करके, क्यों कहते हैं वो कहा होता है ना जितने का मुर्गी नहीं उतने का वो लग जाएगा मसाला, वो अब चीज़ें होती हैं।
तो दूर से आने का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल चीज़ है रिपेयरिंग में होगा मैं रिपेयरिंग करके लगा दूंगा, बस सारी की सारी बचत जो होना है यहीं पे होना है, इसमें होना है। जैसे मैंने यहाँ से डिस्प्ले खोला हुआ है, डिस्प्ले मैंने टर्निंग कराया, अभी टर्निंग पे गया हुआ है, आने के बाद दिखेगा बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं ब्रेक पैड डाल दूंगा, कैलिपर क्लीन कर दूंगा तो नया हो जाएगा। इन चीज़ों में ही पैसा बचता है। जब मैंने कस्टमर से पूछा सही मायने में तो उनको दिखा कि आप जो चीज़ें करते हैं चलने वाली चीज़ें चलाते हैं यही फायदा है कि अगर उतने दूर से कोई आ रहा है तो उनका डीजल पेट्रोल जो बचना है टोल टैक्स सब इसी में बचेगा और काम भी जेन्युइन नंबर वन का होगा। देखो ये कंपनी तो है नहीं कि उठाया और सब कुछ बदल दिया, और बदलने के लिए मुझे कम से कम 15 से 18 दिन चाहिए हर पार्ट्स मंगवाने के लिए। तो इन कामों में मेरी पूरी तसल्ली है, इस तरीके से मैं करता हूँ, कस्टमर का फीडबैक आता है, इसीलिए मैं दोबारा इस काम को करता हूँ। तो आगे मैं बढ़ता हूँ जिस तरीके से, सबसे मेन प्रॉब्लम इसमें आ रही थी, जब गाड़ी चलाते थे हम 70-80 की स्पीड में, यानी 45 की स्पीड में जब टर्बो ऑन होता था तेजी से आवाज़ आती थी सी की और पिकअप सारा का सारा डाउन हो जाता था। उसकी प्रॉब्लम क्या थी, ये टर्बो का पाइप है जो फट चुका है, तो पहले कहीं से जुगाड़ हुआ, जाहिर सी बात है सामान नहीं मिलता तो जुगाड़ करना ही पड़ता, तो जुगाड़ किया, लेकिन हाई प्रेशर होने की वजह से ये पाइप लीक हो गया। तो ये मैंने ओरिजिनल कंप्लीट नया मंगाया हुआ है जो अभी तक नहीं खुला हुआ था, कभी किसी ने खोला नहीं होगा, इंक्लूड कॉल टॉप भी खोला हुआ है, और कॉल टॉप की कंडीशन आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं ये चीज़ें हैं, कंपनी हो या आफ्टर मार्केट हो अभी तक कहीं किसी ने खोला नहीं है। तो पहले मैंने पूरी गाड़ी को खोला, खोलने के बाद डायग्नोस कर रहा हूँ, एक एक चीज़ें चेक कर रहा हूँ, चेक करने के बाद सामान कौन सा डल रहा है कैसे डल रहा है वो सारा मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। जब फिटिंग होगी तो आप फिटिंग का भी सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे यहाँ पे रेग मार मार के पेंट होगा, ये पूरा कंप्लीट तेजाब से डाल करके धुलाई करके पानी का प्रेशर मार करके उससे ठीक होगा। ये मोटर जो किसी ने मारुति कार का लगा दिया सिंगल वाला, इसको हटा करके ओरिजिनल वाला लगेगा, इसी में सब कुछ बच जाना है और यहीं से काम बिल्कुल फिट हो जाना है। फिर हम आते हैं सस्पेंशन चेक करते हैं, सस्पेंशन किस तरीके से चेक होता है, चलाने में हाई स्पीड की गाड़ी एक छोटा सा भी पार्ट खराब होता तो पता नहीं चलता है, गाड़ी स्ट्रांग है, खोलने के बाद पता चलता है इस गाड़ी का क्या रिजल्ट है। जैसे कहना है महेश जी का जो ड्राइवर साहब आए हैं, कह रहे हैं कि 100 की स्पीड में गाड़ी ना स्टीयरिंग बबलिंग करता था, वो जो मैंने खोल करके देखा ये चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे ये स्टीयरिंग का वाल्जेंड है तो ये ना बहुत ज़्यादा पिले आ गए, देखिए कट गया, तो हाई स्पीड में क्या है ना ये कंट्रोल नहीं कर पाता। अब इसको खोल करके मैंने रिपेयरिंग या नया जैसे भी करना ताकि ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाए और टाइट हो जाए, तो फिर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे एंड अभी टाइट है, ये बहुत ज़्यादा कट गया है, सेम उसी तरीके से ये चिमटा है सबसे मेन पार्ट, ये चिमटा देखेंगे तो बिल्कुल एकदम ये देखें, लेकिन जब ये ठीक होकर के आएगा या फिर मैं गोली डालूंगा तो इसको हाथ से घुमाना मुश्किल हो जाएगा, गाड़ी घुमाएगी इस तरीके से ये ठीक होगा। तो जब सारी चीज़ें टाइट हो जाएंगी, टाइट होने के बाद गाड़ी अपने लेंथ में चलेगी तो लेफ्ट राइट नहीं होगी और बबलिंग का काम खत्म हो जाएगा। कुल मिला के सबसे पहले खोलना और फिर उसको एक एक चीज़ चेक करना, सफाई करना, कौन सा पार्ट नया डलना है, कौन सा रिपेयरिंग होना, उस तरीके से काम को अंजाम दिया जा रहा है। फट गया है पूरा का पूरा, तो ये चेंज करना होगा डिस्प्ले टर्निंग करने के बाद। अभी का चीज़ें मैं दिखाता हूँ, जो इसका गियर ऑयल और ट्रांसमिशन ऑयल जल्दी से कोई चेंज नहीं करता, खोलता नहीं है, वो किस तरीके से निकला हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप, ये इसका ट्रांसमिशन ऑयल है। ये कई बार क्या होता है ना, बड़ी गाड़ी के नाम पे लोग चेंज नहीं करते, मैं सही बताऊँ हम भी नहीं करते हैं, लेकिन गाड़ी की जब कंडीशन हो जाती है ना उस तरीके से, सिर्फ गियर ऑयल की वजह से ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम ना आए, बड़ा काम ना हो, इसलिए उसको खोलना बहुत जरूरी। मतलब ये इतना गंदा हो गया है कि बिल्कुल इंजन ऑयल जैसा हो गया, ये है ट्रांसमिशन ऑयल का। अब जितना ही ऑयल निकला है उतना ही ऑयल डाल करके पहले एक बार फ्लैशिंग करूंगा, नॉर्मल ऑयल ट्रांसमिशन का, नॉर्मल ऑयल जो जर्मनी का होगा, जुराटा का, वो मैं दिखाऊंगा कैसे करना है, वो करूंगा फिर फ्लैशिंग के बाद, फिर इसमें कंप्लीट जितना ऑयल निकला उतना नया डालूंगा ताकि गियर बक्से की ज़िंदगी हमेशा के लिए बन जाए। ये तो हो गया गियर ऑयल, आप देख सकते हैं इस कंडीशन में गाड़ी कैसे चल रही होगी, क्या माइलेज देगी। जैसे हमने हाई स्पीड कर दिया और सारे के सारे पेपर इकट्ठे हो गए, एयर लेने में प्रॉब्लम, लेकिन यह है कि पावरफुल इंजन है तो गाड़ी चल जाती है, इससे माइलेज में फ़र्क पड़ता है, गाड़ी को बहुत ज़्यादा चलाने वाले को तो नहीं लेकिन गाड़ी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये हमें चेंज करना होगा, जो हर सर्विस में होता है और करना चाहिए। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं एसी फिल्टर का क्या कंडीशन है, कितना ज़्यादा चौक है। अब देखो जहाँ 3-4 पॉइंट पे चलना चाहिए वहाँ हमें 5 पॉइंट पे लाना पड़ता है, 4 पॉइंट पे लाता है एयर तेज करने के लिए। तो जब हम ये चेंज कर देंगे तो एसी का फ्लो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद इंजन ऑयल निकालेंगे, फ्लैशिंग कैसे करते हैं, प्रोसीजर भाई एक एक चीज़ करके मैं बिल्कुल डिटेल में दिखाता हूँ और दिखा भी दूंगा ताकि इतने दूर से गाड़ी लाने की किसी की जरूरत ना पड़े। जहाँ पे मैकेनिक भाई हैं अपने क्षेत्र में इन गाड़ियों को कवर करें, इसलिए मैंने आज सारा काम रोका हुआ, मतलब 5-7 गाड़ियाँ मैंने रोका हुआ और पूरा स्टाफ लग करके इस गाड़ी को हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये सौकर जा रहा है, आप देख सकते हैं ये सौकर अभी यहाँ से जा रहा है ठीक होने के लिए, जब आएगा तब दिखाऊंगा कैसा हो।
देख सकते हैं आप लोग, ये इसका सेंटर लॉकिंग का पूरा गुच्छा है, जो रिमोट से तीनों दरवाजा लॉक हो जाता था, एक नहीं होता था। अब सही मायने में इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे ऐसे मोटर लगा रखे हैं, छोटे छोटे पॉइंट, कि रिपेयरिंग करना आसान नहीं है। हालांकि अगर चाहो तो कोई भी चीज़ मुश्किल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें रिपेयरिंग करने के लिए माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए, और माइंड शांत कब होगा, दिन में काम होता है ज़्यादा तो इन चीज़ों में दिमाग जाता नहीं। अगर हम बदलने पे आए तो सही मायने में कम से कम 25,000 रुपये का एक पीस है, और वो जल्दी से मिलेगा नहीं। तो इसके लिए सही मायने हमारे एक है सोनू पाजी, मैं बता रहा हूँ टॉप मोस्ट इलेक्ट्रीशियन, वो पहले भी मैं बता चुका हूँ वीडियो में, इनका टाइम बड़े मुश्किल से मिलता है, लेकिन ये कभी भी मेरे काम को मना नहीं करते। मैं पहले बता देता हूँ कि हमारे पास बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, और ये कब काम करते हैं मैं बता रहा हूँ, रात को ही काम करते हैं। रात को घर गए, खाना पीना खाया, सारी लाइटें ऑन करके बिल्कुल माइंड शांत करके इस चीज़ को खोलते हैं, और अपने माइंड से, मिलीनियन माइंड से इस चीज़ को रिपेयरिंग करते हैं, और कामयाब हो जाता है। ये मैंने कितनी बार देखा, और आज सही मायने में स्प्लेंडर गाड़ी में भी इन्होंने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। इसमें लगा करके हम लोग चेक कर लिए हैं, और फर्स्ट क्लास काम हो गया। अब सोच के देखिए, जितना डीजल लगा था उतना देखी चीज में बच गया, यही मेन चीज़ होता है। हमारी मेहनत का क्या फल मिला, जो पूरी रात सेंटर लॉकिंग का रिपेयरिंग हुआ है, क्योंकि आसानी से नया तो मिलना नहीं था, उसमें टाइम लग जाता है, कम से कम एक हफ्ता चाहिए होता है इन चीज़ों को ऑर्डर करने के लिए। तो जो रात को काम हुआ है उसका देखते हैं क्या रिजल्ट है। जरा सोनू भाई एक बार गाड़ी को लॉक करना, अब ये लॉक हो गया है, मतलब गाड़ी खुल नहीं रही, जो पहले खुला रह जाता था, अब ओपन करना एक बार, ठीक है, बिल्कुल है, लॉक करो, चलो बहुत ओके, रिपोर्ट है शानदार, रिपेयरिंग कामयाब हो गया, सक्सेसफुल। और ये चीज़ें जब रिपेयरिंग हो जाती है तो लंबा भी चलता है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो हमारी पहली कोशिश होती है रिपेयरिंग, ओरिजिनल चीज़ रिपेयरिंग हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं होता तब उसके बाद ऑप्शन रखते हैं, इंपोर्टेड डालना है, लोकल डालना है, ओरिजिनल मांगना, वो बात की बात होती है। तो एक हमारा काम तो हो गया, ओके, अब मैं आगे का काम चालू करता हूं और दिखाता हूं किस तरीके से काम हो रहा है। देख सकते हैं इसका ट्रांसमिशन का आयल निकलता है जहां से, वो नट है। सबसे पहले एक 5 नंबर की लंकी से इसको खोल लिया जाए, जो मैंने निकाल दिया, पहले इसको खोलेंगे, और खोलने के बाद थोड़ा सा गैरेल निकलेगा, लगभग 1.5 लीटर ट्रांसमिशन है। जब ये नट निकल जाएगा बाहर, 17 नंबर की एलंकी होती है, इसमें लगा करके प्रेस करके खोलेंगे तो पूरा नट खुलेगा, और कंप्लीट इसको खोलने के बाद 3.5 लीटर आयल निकलेगा पूरा, इसमें यहाँ से निकालने का हिसाब बना हुआ है। बाकी ये इंजन आयल का नट है, जो यहाँ से हम इसको खोलेंगे और सारा का सारा ऑयल बाहर आ जाएगा। और उसको खोलने से पहले इसके ऊपर ना चैम्बर पे पूरा एक कवर लगाया हुआ है सेफ्टी के लिए, ताकि पूरा का पूरा ऑयल ठंडा रहे, वो मैं क्लीनिंग करके इसमें लगाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। ये तो यहाँ से गैरेल निकलने का हिसाब है, और डालना कहाँ से जाता हो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ऑयल का जो लोकेशन है ये यहाँ पे है, जो आपको इस स्टार गोटी से आप खोल सकते हैं, 55 नंबर की टी है, इसको इजीली यहाँ से खोल करके आप जितना ऑयल निकले उतना ही आप डाल सकते हैं। अगर नहीं पता है तो 3.5 लीटर इसमें डालना चाहिए, यहाँ से बाकायदा खोल करके डाल करके फिर उसके बाद इसको पैक कर सकते हैं। मैं तो इसको फ्लैशिंग करूंगा, सारा ऑयल निकल गया, अभी एक ऑयल डालूंगा फ्लैश करने के लिए, फिर उसके बाद दूसरा ऑयल डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका डीजल फिल्टर लगा होता है, जो इसमें 4 पाइपें लगी होती हैं, रिटर्न का वगैरह का, ये इसका डीजल फिल्टर है, इस तरीके से लगा हुआ है, इजीली इसमें लॉक होता है। इस लॉक को दबा करके हम इस पाइप को प्रेस कर सकते हैं, रेड वाले को दबा करके इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसमें एक सॉकेट लगा हुआ है, इस तरीके से पूरा का पूरा निकल गया, सील्ड होता है, खोल करके इसको चेंज नहीं किया जाता, और ऐसे कैसे कंप्लीट चेंज होता है, बस इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे कंप्लीट आया उसका स्विच यहाँ पे लग जाएगा, और लगाने के बाद इजीली इसको फिट करके और अपनी अपनी पाइपें सही जगह पे फिट कर दिया जाए, बड़ा इजी है, बस थोड़ा सावधानी होता है ये लॉक निकालने का। ये हो गया डीजल का। डीजल फिल्टर के बाद जो हमारा आगे ये है एयर फिल्टर, आप देख सकते हैं ये जिस कंपनी का इसमें से निकला है सेम मैं उसी कंपनी का डाल रहा हूँ, चेक कर सकते हैं, सेम वही चीज़ें हैं, पर क्वालिटी में कितना फ़र्क है इससे पता चलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा अंदर पेपर चौक हो चुका है, ये पूरा कंप्लीट क्लीन न्यू है। इसी तरीके से सेम जो आपने पहले देखा था किस तरीके से एसी का फिल्टर चौक था, ये पूरा कंप्लीट क्लीन है, इससे आपका केबिन का हवा एकदम बिल्कुल क्लीन और फ्रेश हो जाएगा और तेज़ हो जाएगा।
डीजल फिल्टर आपने कंप्लीट देख ही लिया, एक बार चेंज हो गया तो लंबे टाइम के लिए गाड़ी चलने के लिए तैयार हो गई है। तो ये सब चीज़ें जनरल सर्विस में होता है। उसके बाद ये ऑयल फिल्टर आ गया जो ऑयल के साथ हमेशा चेंज ही होता है। जस्ट उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं थोड़ा अलग होती यूनिक होती हैं, तो मैंने ग्रीस मंगा लिया है। इसमें कई जगह रेड ग्रीस ही डलनी है, तो रेड ग्रीस ही डलेगा जो कंप्लीट अभी इसी के लिए खोला हुआ है। बाकी यहाँ पे थॉटर बॉडी स्प्रे है, जहाँ जहाँ क्लीनिंग होना कंप्लीट, टर्बो के अंदर बहुत सारा कार्बन गया हुआ है, एयर पाइप फटने की वजह से सारा डस्ट भरा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें इससे और इससे कंप्लीट क्लीन होगा, तभी हम नया पाइप लगाएंगे और एयर फिल्टर कंप्लीट नया डालेंगे। नहीं तो पता कैसे चले कि ऊपर से हमने सारा नया चीज़ डाल दिया, अंदर के अंदर सारा का डस्ट रह गया, तो आगे चल करके ना टर्बो को ख़राब करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी टर्मिनल ओके करने के लिए पानी डलेगा, उसमें पानी सूखा हुआ था टर्मिनल के लिए है ताकि उसके ऊपर जंग ना आए। उसके बाद सबसे मेन चीज़ आता है जो है ब्रेक पैड, जिससे गाड़ी चलती है। आप देख सकते हैं कितना फ़र्क आ गया इसमें और उसमें। तो ब्रेक पैड भी मैं नया डाल रहा हूँ, पीछे वाला तो क्लीन करके लगाऊंगा, लुब्रिकेंट सारा कर दूंगा और ये नया डालूंगा, तो लंबे टाइम के लिए ठीक हो जाएगी। डिस्प्ले में टर्निंग कर ही रहा हूँ। इसी तरीके से इंजन ऑयल कस्टमर के हिसाब से जो बेस्ट चीज़ें हैं, ये जापान की लुब्रिवन कंपनी है जिनकी गाड़ी उनको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने खुद रिकमेंड किया है कि मेरी गाड़ी में एदुम इसी को डालिए, तो चाहे 7 गार्ड या फिर 5 गार्ड दोनों में से जो बोलेंगे मैं डाल दूंगा। ये सब तो हो कस्टमर के ऊपर होता है। बाकी सबसे मेन और अहम चीज़ जो है, जो पाइप फटा हुआ था वो पाइप भी ऑर्डर पे है, अभी आने वाला है, ये बहुत ज़रूरी है। जो जुगाड़ किया जुगाड़ हटाऊंगा और फिर कुल जैनवन तरीके से करूंगा ताकि किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आए ना। तो इस तरीके से सारा का सारा पार्ट्स आ गया है। चिमटा वाल्जेंट एंड सस्पेंशन के सारे पार्ट्स कंप्यूटराइज चेक होगा, रिपेयरिंग होगा और वो आकर के फिट होगा और सौकर पूरा कंप्लीट न्यू होकर के आ जाएगा। इस तरीके से मैं गाड़ी पूरी कंप्लीट कर रहा हूँ। अब आगे का काम क्या होता है मैं देखता हूँ। चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको बोलते हैं वाल्जेंट, जहाँ से हम अलाइनमेंट करते हैं, ये ख़राब हो जाता है। ये देखिए ये लैंड क्रूजर फ्राडो का है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कई बार ना इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि चलते चलते यहाँ से निकलने का चांस होता, कटता है इस तरीके लूज होता, बाहर निकल जाता है। ये मैंने बदला था लैंड क्रूजर फ्राडो को दिखाने के लिए रखा हुआ कि जब इस तरीके से कंडीशन हो जाए स्टीयरिंग के वाल्जेंट का तो इसको बदल देना चाहिए। सेम ऐसा ही ये भी हो रहा था, मतलब इतना ख़राब नहीं था, थोड़ा ख़राब था, तो मैंने इसको रिपेयरिंग कराया। रिपेयरिंग करने से क्या है, एकदम बिल्कुल टाइट हो गया, जो अपने आप वो हिल रहा था ना अभी नहीं पहले, अभी इतना टाइट हो गया कि हम नहीं इसको हिला पाएंगे, हाथ से गाड़ी हिलाएगी। क्या है, हाई स्पीड में ये सारी चीज़ें कंट्रोल करती है। जो बबलिंग कर रहा था स्टीयरिंग, इसी के लिंक में होता, तो ये लूज होने की वजह से गड्ढे में आवाज़ भी आती है और बबलिंग भी करती है, थोड़ी दिक्कत आती है, अलाइनमेंट में दिक्कत आती है। ये प्रॉपर तरीके से ओरिजिनल है और ओरिजिनल ही बिल्कुल फिट हो गया। तरीके से मैंने कर दिया नया, फिट हो गया। सेम इसी तरीके से जो डिस्प्ले आई थी इस पे निशान आ गया था, जब हम हाई स्पीड में चलाते हैं ना और इस पे निशान होता थोड़ा दिक्कत, तो क्या है पैडल जंप कर जाता, ब्रेक मारने में पकड़ नहीं बनता। तो उसको मैंने चेंज नहीं किया, काफ़ी मोटा है तो हल्का सा कंप्यूटराइज फिनिशिंग हुआ है, लेंथ बिल्कुल बराबर हो गई और इसी के साथ ये ब्रेक पैड डाल दूंगा, तो ब्रेक लंबे टाइम के लिए ठीक होगी। मतलब जो भी चलना होगा 30,000-40,000 किलोमीटर तक चल जाएगा, मतलब ब्रेक हमेशा के लिए लंबे टाइम के लिए ठीक हुआ। वाल्जेंट एंड सेम इसी तरीके से चिमटा, इसका काफ़ी कॉस्टली है, उसको भी मैंने रिपेयरिंग के लिए भेजा हुआ, रिपेयरिंग आता है होकर के फिर मैं आपको दिखाता हूँ, और सौकर कैसे किस तरीके सारा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
तो फाइनली मेन पॉइंट पे आ गए, जो गाड़ी में फॉल्ट होता है एक्चुअली उस पर हम काम कर रहे हैं अभी। अभी आप देख सकते हैं ये है हॉर्स पाइप पूरा कंप्लीट, ये ओरिजिनल मंगाया गया है कंपनी से, तो टाइम तो लगा लेकिन आ गया, मिल गया। क्योंकि इसका एक पार्ट जो ख़राब हुआ था ये वाला, ये ख़राब होने की वजह से यहाँ पे जुगाड़ किया हुआ था। जाहिर सी बात है कई बार मरता क्या नहीं करता, वो तो करना ही पड़ता, अब नहीं है तो जुगाड़ किया, ज़रूरी भी था, तो यहाँ तक मंजिल तक तो आ गई। तो अब इसका प्रॉपर तरीके से काम कर दिया गया, इसका पूरा का पूरा सिस्टम मैंने इसका बदल दिया, ये चीज़ें हो गई लंबे टाइम के लिए ठीक, अब प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। पिकअप के इशू से हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरी चीज़ देख सकते हैं ये मोटर है, ये मोटर में जैसे यहाँ प्लास्टिक का लगा हुआ सेम इधर प्लास्टिक का होता था, ये टूट गया था। अब ये टूटने की वजह से कि मोटर तो है कॉस्टली काफ़ी मिला नहीं, तो इसकी जगह मारुति कार का लगा दिया गया था जुगाड़ करके। उससे क्या हुआ, पीछे जो वाइपर का पानी जाना था वो बंद हो गया था, आगे वाला खाली चल रहा था, और इधर प्लास्टिक का था इधर पीतल का बना दिया, मतलब ये ओरिजिनल से भी बढ़िया हो गया। बस दूर से आने का ये फ़ायदा मिलता है यहाँ पे लोगों का, जो सामने गाड़ी वालों के सामने ही काम हो रहा है कंप्लीट, तो ये चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद ये है चिमटे का बुश, जो मेन चीज़ होता है, पूरा आर्म मैंने खोला और खोलने के बाद चेक किया तो ये वाला बड़ा वाला बुश तो ठीक है, लेकिन ये छोटा वाला बुश ख़राब हो गया था काफ़ी ये वाला, क्योंकि अगर पूरा सस्पेंशन ओके कर दिया इसकी वजह से फिर दिक्कत आ जाती है, टायर और खाने में दिक्कत आ सकती थी, गड्ढे में भी प्रॉब्लम आ सकती थी। और ये जो इसका मेन गोली होता है जो मैंने पहले दिखाया था, बहुत ज़्यादा लूज हो गया था, ये देख लीजिए बिल्कुल ओरिजिनल हो गया, मतलब बहुत बढ़िया जैसे होता है। ये भी कंप्यूटराइज एक तरह से प्रेस किया जाता है कि गाड़ी कितना टाइट होना चाहिए कितना, उस तरीके से इसको कर दिया गया। जो नया डालने वाला था वो नया डाला गया, जो रिपेयरिंग में हो रहा था वो रिपेयरिंग में कर दिया गया, और उस तरीके से कंप्लीट क्लीन करके लुब्रिकेंट करके जहाँ जहाँ पूरा सस्पेंशन को लुब्रिकेंट होने वाला था वो करके सस्पेंशन पूरा एक तरह से हमारा नया हो गया। और ये देख सकते हैं एंड जो आपने देखा था पहले ये वाला जो इस तरीके से झूल रहा था जिसमें कि मतलब जान नहीं है, हड्डी नहीं है, कुछ भी नहीं, अब एकदम बढ़िया हो गया फर्स्ट क्लास। ये एंड जो बहुत ज़्यादा कट गया था ये अब बिल्कुल बढ़िया हो गया फर्स्ट क्लास। अब इधर से पूरा का पूरा एक्सल क्लीनिंग होगा और उसके बाद सस्पेंशन पूरा ओके हो जाएगा, डिस्प्ले और सौकर हम नया जैसा करी दिए हैं, ब्रेक पैड नया डली रहा है, गाड़ी कंप्लीट हो रही है। तेल का कंडीशन आप देख रहे हैं किस तरीके से है, ट्रांसमिशन मैंने पहले दिखा दिया कि इसका इंजन ऑयल निकला है। अब इसके फ्लैशिंग का काम चालू करता हूँ, इंजन ऑयल निकाल दिया, ट्रांसमिशन ऑयल निकाल दिया, कैसे फ्लैशिंग होता है इन गाड़ियों का वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो है ट्रांसमिशन ऑयल इसको फ्लैशिंग करने जा रहा हूँ। ऑयल तो आपने देख लिया पहले जो रखा हुआ दोनों निकाल के, इंजन ऑयल और ट्रांसमिशन ऑयल। इस ट्रांसमिशन में ऑयल ये जोराटा का है, जर्मनी का तेल है, इससे फ्लैशिंग करना है। ये डैशबोर्ड 3 लिखा हुआ ना, ये वाइट है, इसमें से लाल था लेकिन चल चल करके काला हो गया, तो जो कंपनी जिस तरीके से डालती है उसी तरीके से इसमें डालना चाहिए रेड का। ये वाइट है, वाइट तो मैं इसको क्लीनिंग करने के लिए फ्लैश करूंगा, क्योंकि पूरा 3.5 लीटर निकला, तो एक बार उसको चला करके गाड़ी को गर्म करके गियर वे डाल करके इस तेल से फ्लैश करूंगा। ये है बिल्कुल वाइट, देखिए इस तरीके से। लोकेशन मैंने दिखाई दिया है, निकालना कहां से डालना कहां से, आप इजीली एयर क्लीनर का बॉक्स निकाल करके यहां से इसको डाल सकते हैं। दूसरा दो इसको स्टार्ट करके रखना है 15-20 मिनट तक। इसको डालने के बाद इंजन का जो फ्लैश करने के लिए ऑयल है वो अलग आयल है, वो तो मैं कंपनी से हमेशा मंगाता हूँ हर गाड़ियों के लिए, वो दूसरा आयल है। ये मेरे पास बाल्टी का बाल्टी आता है जिसमें मैं इसमें कम से कम 4 लीटर डाल करके इसको भी फ्लैश करूँगा। इसका काम तो अपना अलग हो गया, अब इसमें इंजन आयल में जो तेल डालता हूँ ये अलग है। एक होता है कि पुराने इंजन आयल में नट लग गया है ना इसका चैम्बर का, एक तो होता है कि पुराने इंजन आयल में इंजन फ्लैश डाल दिया जाए वो अलग हो गया, लेकिन गाड़ी अभी क्या है ज़्यादा चल चुकी है तो ये फर्स्ट बार ये इंजन ऑयल से ही फ्लैश करना है। और ये पतला ऑयल है, अब ये डालने से क्या होगा जितना भी अंदर कचड़ा होगा ना सारा ये नॉर्मली ऑयल बन करके कंप्लीट निकाल लेगा, और फिर उसके बाद जो ऑयल डालूंगा इसमें फुल्ली सिंथेटिक हाइड्रो मिशुका वो 10,000 किलोमीटर के बाद भी निकालूंगा तो ऐसे निकलेगा जैसे पेट्रोल गाड़ी का, बिल्कुल साफ़ सुथरा। इस तरीके से इसकी वॉशिंग होनी है। इसमें मैं 4 लीटर डालूंगा, 6 लीटर पूरा कंप्लीट डलता है 6.5 लीटर, लेकिन 4 लीटर से फ्लैश करूंगा। कम से कम आधे घंटे तक गाड़ी को स्टार्ट रखूंगा, फिर उसके बाद इसके निकालने के बाद फिर इसके अंदर ऑयल दूसरा ऑयल डलेगा। तो देख सकते हैं ये जो मैंने डब्बे में डाल के रखा हुआ है पहला वाला ऑयल जो ट्रांसमिशन का है, इससे मैंने फ्लैशिंग किया है, अभी ये भी निकलेगा बाहर तो तकरीबन ऐसा ही करके निकलेगा। लास्ट में जो फाइनल डालना है मेरे को ये डालना है, रेड होता है जिस गाड़ी में से रेड निकलता है रेडी डाला जाता है, व्हाइट वाले से फ्लैशिंग के लिए कंपनी ने स्पेशली बोला हुआ है। इससे क्या होता है तो थोड़ा बहुत छोटी छोटी गरारियाँ होती हैं, जितने कचड़े उतरे होते हैं सारे निकल जाते हैं बाहर,
तो सबसे लास्ट में ए डालना है। यही आयल है जो पहले डल करके और इस तरीके से हो गया। सौकर का काम हो गया गाड़ी का, इसमें कम से कम पूरे 6 घंटा लगा है रिपेयरिंग होने के लिए। आम गाड़ी का कोई भी होता है तो कंप्लीट रिपेयरिंग किया होता है, जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं तैयार करके रखते हैं, पुराना लेके जाते हैं और नया दे देते हैं। सही मायने में गाड़ियां कम है, इसमें हम लोग भी ज़्यादातर नया डालते हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से कंपनी का ऑर्डर करो मंगाओ कम से कम 4-5 दिन लग रहा था नया ओरिजिनल आने में। तो इसको मैंने कंपनी से जहाँ से रिपेयरिंग होता है पूरा कंप्लीट, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं बिल्कुल कंप्लीट नया तरीके से सौकर को भरवा करके कंप्यूटराइज इसका प्रेशर दोनों का चेक करा के बराबर जितने भी इसके पार्ट्स थे लुब्रिकेंट करा दिया, जैसे बैरिंग में ग्रीसिंग करा दिया, किट को बिल्कुल सही करा दिया। उस तरीके से कराने के बाद ये हमारे सामने पूरा सौकर नया आ गया है और सही मायने में इसमें जो रिपेयरिंग करते हैं रिपेयरिंग करने वाले ने डेट डाला हुआ है। अगर 6 महीने में कोई डाउट और प्रॉब्लम लगता है तो इसको दोबारा से चेक किया जा सकता है, वैसे प्रॉब्लम आती नहीं है इसलिए हम लोग ये डालते हैं, नहीं तो टाइम होता तो फिर नया भी कर सकते हैं। ये अपने ऊपर होता है, मैंने पहले बोला हुआ है कि मेरा काम उस तरीके से है कि जिस तरीके से कस्टमर चाहते हैं मैं उस हिसाब से काम करके देता हूं। और सही मायने में ये हम जो काम कर रहे हैं कम से कम 4 से 5 दिन का काम है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि मेरा का पूरा स्टाफ इस गाड़ी में लगा हुआ है और सर लोग जो दूर से आए हुए हैं 1400 किलोमीटर से बैठ करके ये खुद अपना कीमती समय दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अपना बड़ा बड़ा बिजनेस छोड़ करके आए हैं तो समय को बचाने के लिए आज मैंने सारा काम रोका हुआ है और 2 दिन में पूरी गाड़ी कम्प्लीट करके ए से जेड तक करके दे रहा हूँ। पहला जो मैंने ट्रांसमिशन आयल निकाला था ये था, उसके बाद जो दोबारा फ्लैशिंग के लिए वाइट वाला डाला ये, और इसके बाद ये तीसरा ऑयल जो निकला दूसरा वाला, ठीक है। इसके बाद मैंने जो रेड इसमें डल करके आता है ये मैं डाल रहा हूँ, ये देखिए रेड में है, वो बिल्कुल वाइट था तो इसमें यही डलेगा। लाइफ इसकी अच्छी होती है, लेकिन क्या है कि अगर टाइम से चेंज होता रहे ना तो फिर फ्लैशिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस 50,000 किलोमीटर के लिए छुट्टी मिल गया, ये हो गया अपना ट्रांसमिशन का सिस्टम बिल्कुल ओके। तो फाइनल जिस चीज़ का इंतजार होता वो चीज़ें हैं जो कस्टमर है, सबसे पहले कस्टमर यही पूछते हैं तेल कौन सा डाला आपने, तो बोलने को तो कुछ भी बोल दिया जाता है, लेकिन सही मायने में कहते हैं जो दिखता वही बिकता है। तो सर लोग गाड़ी के सामने हैं, उनको इन चीज़ के बारे में ऑटोमोबाइल के बारे में नॉलेज भी बहुत अच्छा है, उन्हीं के सलाह से मैं ये डाल रहा हूँ। ये तो मुझसे का जापानी तेल है 7 गार्ड, इसमें 5 गार्ड भी होता है, लेकिन ये 10,000 किलोमीटर के लिए छोटी गाड़ियों में मैं रिकमेंड करता हूँ, तो उनकी सलाह से मैं ये डाल रहा हूँ तेल। अब इस तेल को पूरा कम से कम 1 साल या 12,000 किलोमीटर 13,000-14 जितना आप चाहें चला सकते हैं, एक लिमिट होता है 15,000 से ज़्यादा नहीं, लेकिन 10 पे कर लेना चाहिए। फ्लैश कर दिया है, अगर 12,000 किलोमीटर चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे मैं स्टिकर लगा के दे दूंगा। तो ये तेल मैं गाड़ी में डाल रहा हूँ, इससे क्या इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तेल पे हमें पूरा भरोसा है, कंपनी से डायरेक्ट आता है, बिल के ऊपर आता है, GST वगैरह पे करके सब कुछ लिया जाता है, और सही मायने में मैंने ड्रेस भी उसी का पहना हुआ है आज स्पेशली। तो ये सब जब ट्रेनिंग में जाते हैं सारी चीज़ें बताया जाता है सिखाया जाता है विश्वास होता था, फिर उसके बाद हम ये कदम उठाते हैं, क्योंकि लाखों की चीज़ है उसको करने के लिए सबसे मेन चीज़ यही होता है जो इससे मेंटेन होता है। तेल की क्वालिटी आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने डब्बे काट करके दिखाया हुआ है, जैसे ऊपर से निकल रहा है वैसे अंदर बिल्कुल क्लीन होता है। ये है तेल की क्वालिटी, देसी घी से महंगा है। दूसरा डब्बा डाल रहा हूँ, इसमें गेज लगा हुआ है, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जितना कंप्लीट डालना होगा, वैसे तो 6.5 लीटर लगभग डलेगा इसमें, अभी मैं इसमें अपने हिसाब से डाल रहा हूँ, बाकी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद फिर दोबारा कंप्लीट पैक कर दूंगा। सारी चीज़ें मैंने लगभग कर दिया,
लास्ट काम चल रहा है, 90% गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसका ये मैं डाल रहा हूँ ब्रेक आयल, जो मैंने निकाला है गाड़ी में है, ये है ब्रेक आयल जो यहाँ से पूरा कंटेनर खाली कर दिया है। उसके बाद ऊपर से ये वाला मुझे ब्रेक आयल डालना है इसके अंदर। कहते हैं ना ब्रेक आयल खराब नहीं होता, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा खराब नहीं होता है। तो खराब नहीं होता तो सही कैसे है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने निकाला है और ये इसके अंदर डलेगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब ये सामने दिख रहा है जो इसमें पूरा कंप्लीट मैंने भर देना है जितना डलेगा। अब आते हैं सबसे मेन चीज और जो है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का आयल मैंने फर्स्ट बार चेंज किया है, ये देख सकते हैं ये स्टीयरिंग आयल निकला, ये देखिए। इसका लाइन मैंने निकाला नीचे से और स्टार्ट करके पंप के थ्रू सारा का सारा निकाल दिया। वो निकलने के बाद थोड़ा नया डाल करके उसको भी निकाल दिया और जो डाल रहा हूँ वो ये है, देख सकते हैं। इसमें रेड है इसलिए रेड ही डाल रहा हूँ, कई तरीके का आता है लेकिन जो गाड़ी में से निकल रहा है मैं वही डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें और उसमें फ़र्क कितना है। अगर हम इसको सही टाइम से तेल चेंज कर रहे हैं तो जो रैक असम्बली होता है और जो पावर स्टीयरिंग का पंप होता है वो कभी ख़राब नहीं होता। जैसे इंजन आयल हर 10,000 किलोमीटर पर बदला जाता है कि इंजन ख़राब ना हो, ट्रांसमिशन 50,000 किलोमीटर पर बदलते हैं ट्रांसमिशन ना ख़राब हो, इसी तरीके से पावर स्टीयरिंग आयल को अगर हम टाइम से बदलेंगे तो इसका पावर स्टीयरिंग का जो पंप वो ख़राब नहीं होगा, रैक असम्बली ख़राब नहीं होगा। क्योंकि ये सब पार्ट्स बहुत कॉस्टली होता सही मायने में, लेना तो आसान है लेकिन जब नया डालना पड़ता है ना तो मैं बता रहा हूँ एक नहीं 100 बार सोचना पड़ता है एक पार्ट्स नया डालने के लिए। इन लग्जरी गाड़ियों प्रीमियम गाड़ियों में सारी चीज़ें करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं जो मैं कर रहा हूँ और पूरा डिटेल में दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। आगे हम और क्या काम करना हो वो फाइनल दिखाते हैं। मेरी तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, फाइनल ट्राई के लिए जा रहा हूँ। ट्राई करने से पहले एक बार सारी चीजें चेक कर लेता हूँ हर चीज वर्किंग में है कि नहीं। सुनो भाई हेडलाइट जलाइए एक बार, ठीक है, डिपर मारिए बिल्कुल ओके, इंडिकेटर जलाइए चारों, ठीक है ये भी बिल्कुल है, फोक लाइट जलाओ बिल्कुल सही है ओके, एक वाइपर फ्रंट वाइपर पानी के साथ बिल्कुल सही है, हेडलाइट वाशर बहुत बढ़िया चल रहा है फर्स्ट क्लास। इस तरीके से हर एक चीज़ बिल्कुल फिट हो गई। और एक मेन चीज़ मैं दिखाता हूँ जो मैंने एक स्पेशल यूनिक अलग चीज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से है। जैसे इंजन आयल है, इंजन आयल जब मैं फ्लश इसलिए करता हूँ कि डीजल गाड़ी है, अब अगर इसमें इंजन आयल मैं निकाल करके चेक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से है। अब इसमें अगर हम कैमरे से भी देखेंगे ना तो नज़र नहीं आएगा कहाँ तक, लेकिन हाथ पे रखूँगा तो पता चलेगा। ये देखिए बिल्कुल फुल लेवल यहाँ तक है लेकिन पता नहीं चला, ये है फ्लैश का नतीजा जो मैं फ्लैश करता हूँ। जिस तरीके से इंजन फ्लैशिंग किया ये हो गया, इसी तरीके से ट्रांसमिशन आयल को फ्लैश करके बिल्कुल ओके किया, सेम इसी तरीके से पावर स्टीयरिंग आयल को फ्लैश करके पूरा स्टीयरिंग का पूरा रैक असेंबली को बचाया, और तो और मेन जो ब्रेक का होता है वो कंप्लीट कंटेनर खाली करके फ्रेश आयल डाल करके चारों पहियों से क्लीन कर दिया। तो जो जो क्लीनिंग होने वाली थी क्लीनिंग किया है, रिपेयरिंग करने वाली चीज़ें रिपेयरिंग कर दिया हूँ और जो नया डालने वाली चीज़ें होती हैं वो नया डालता हूँ। इलेक्ट्रिक से लेकर के मैकेनिकल तले ए टू जेड काम कर दिया है। अब फाइनल इसके बाद अलाइनमेंट होगा और गाड़ी फर्स्ट क्लास चलने के लिए तैयार है, कम से कम 1,00,000 किलोमीटर के लिए बड़ी चीज़ें। और छोटी चीज़ें जो होगा सर को मैं लिख करके दे दूंगा, 10,000 किलोमीटर तक चलाते रहो और अपने रांची में ही अपना सर्विस अपनी गाड़ी का कराते रहो, बाई रोड चल के जल्दी आने की जरूरत नहीं है। और अब सारी चीज़ें हो गया तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका साउंड। अब ये गाड़ी है पूरी साइलेंट, मतलब हाथ रखने के बाद वाइब्रेशन पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ है, चिक साउंड है जैसे होना चाहिए, पूरी तसल्ली हो गई है। काम करते 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 अपने हाथों से किया गया है, पूरा 2 दिन लगाया गया, पूरा स्टाफ के साथ जितने भी सीनियर थे सारे मिलकर के काम किए, मतलब 4-5 दिन का काम 2 दिन में हमने निपटाया है, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो उसके बाद भी फिर फाइनली ट्राई एक मार के फिर उसके बाद गाड़ी तो हो गई मेरी तरफ से पूरी कंप्लीट एकदम फर्स्ट क्लास। क्योंकि पहले मैंने इसी रोड पे चलाया था तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर गाड़ी को चलाया था और जो चलने में दिक्कतें आ रही थी सारी चीज़ें नोट किया था,
नोट करने के बाद काम चालू हुआ, पूरे दो दिन लगा और जितनी भी चीज नोट किया था हर एक चीज हो गया, हर चीज पे टिक लग गया। अब गाड़ी बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास है, हाथ छोड़ के चला सकते हैं, कोई लेफ्ट राइट कुछ नहीं, एकदम शानदार। मीटर में अगर आप देखेंगे तो कोई भी एक लाइट नहीं जल रही है, मतलब जो जेन्युइन चीज होती है वही है। मैं हेडलाइट फॉग लाइट जला रखा हूँ, उसकी लाइट आ रही है। आरपीएम की सुई बहुत बढ़िया चल रही है, कोई आइडलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। पिकअप तो एकदम शानदार हो गया। जो टर्बो पहले काम नहीं कर रहा था, एक्स्ट्रा एयर ले रहा था, वो ठीक होने से तो गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। पिकअप तो गोली की तरह जा रही है एकदम, हालांकि यहाँ पे रास्ता नहीं मिल जाएगा। ब्रेकिंग सिस्टम तो मैं बजा रहा हूँ लाजवाब है इसका, इतना शानदार हो गया। ब्रेक मारो हाथ छोड़ के गाड़ी ऑटोमेटिक रुक जा रही है और बहुत अच्छी पकड़ है। लैंड रोवर का असली मजा चलाने में अब मिलेगा सही मायने में, जो ये चीजें हुई हैं। तो मेरी तरफ से पूरी गाड़ी एकदम कंप्लीट हो गई है। बाकी चीजें मैं गाड़ी चलाने के लिए देता हूँ, जो गाड़ी भाई चला के लाए थे महेश जी, वो बताएंगे। गिफ्ट दे रहा हूँ, अंदर सफाई करना होगा, बहुत बढ़िया कपड़ा है, पॉलिश है, बाकी हमेशा खुशबू आते रहे, ठीक है, यही चीज़। थैंक यू, मुस्कुरा, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। रांची से आए ना, चलते रहे सर, रांची से आए ना। चलो बहुत अच्छा लगा सर, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया हूँ, गाड़ी बिल्कुल अपनी तरफ से शानदार बनाया हूँ। आप चलाते रहिए और गाड़ी मजा लेते, अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो फोन करके बताना, ठीक है।